अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन महोबा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुंदेली समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बुंदेली समाज स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली में सुधार और जिले में एक मेडिकल कॉलेज समेत बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर पिछले 530 दिनों से अनशन पर बैठा है। खून से लिखा यह खत पीएम मोदी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। अगर इलाज नहीं दे सकते तो मौत की इजाजत इस खत के माध्यम से बुंदेली समाज ने की। दरअसल बुंदेलखंड अलग राज्य और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर महोबा के अल्लाह चौक पर पिछले 530 दिनों से अनशन पर बैठे बुंदेली समाज के सदस्यों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने कहा कि महोबा की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। यहाँ के जिला अस्पताल से अधिकतर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। महोबा को जिला बने 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जिला अस्पताल इतनी लंबी अवधि में 200 बेड का भी नहीं बन पाया। इन्हीं बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बुंदेली समाज के सदस्यों ने पीएम मोदी को खून से खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। देखिए, आज हम लोगों ने जो खून से खत लिखे हैं वो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, और वो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इलाज का बहुत ज़्यादा अभाव है। डॉक्टर्स की अस्पताल में भारी कमी है और हमारा अस्पताल बहुत ही हालत है। महोबा को जिला बने 25 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो अस्पताल है वो जिले स्तर का भी नहीं बन पाया है। तो आज मेडिकल कॉलेज की राह में वही रोड़ा बन गया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पहले खुलने की बात हुई थी, सरकार ने जमीन मांगी थी, लेकिन अब ये कह के बात अटक गई है, वापस चला गया है मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, तो पहले 200 बेड का हॉस्पिटल हो। तो हम यही हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकामी है, ये कि 25 साल में चाहे वो जिस दल का कोई भी विधायक सांसद रहा हो, यहाँ पर वो एक जिले स्तर का हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए, तो इसलिए एक भारी कमी है।